1927 में राजस्थान के गांव लूना में अपने वक्त के बेहतरीन गायक उस्ताद अजीम खान के घर पैदा होने वाले मेहदी हसन तकसीमे हिंद के वक्त 20 साल की उम्र में पाकिस्तान आए, लेकिन फिर अपनी गायकी और फन की बुनियाद पर न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि क्लासिकी मौसीकी की दुनिया पर ही छा गए। जिंदगी को जितना करीब और हकायक के साथ मेहदी हसन ने देखा, इस पाए के किसी और फनकार ने शायद ही देखा हो। जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मेहदी हसन ने साइकिलें मुरम्मत की और कार मैकेनिक भी बने, लेकिन गमे रोजगार भी उन्हें गायकी के शौक से दूर ना कर सका और उनकी जिंदगी में ये नौबत नहीं आई कि उन्हें फने गायकी के लिए ये कहना पड़ता कि तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। तो इंसान भी बहुत बड़े हैं, बहुत। मैंने जो आज से देखी है, मैं बचपन से ही खान साहब को जानती हूँ और मैंने उनको सुना, उनकी सोबत में बैठने का भी इत्तेफाक हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। मेहदी हसन की जिंदगी की सख्तियों के कुछ कम होने और उनके फन की कदरदानी के लिए 1952 का साल मुबारक साबित हुआ जब उन्हें रेडियो पाकिस्तान में गाने का मौका मिला। ये उस्ताद बरकत अली, बेगम अख्तर और मुख्तार बेगम के अरूज का जमाना था, लेकिन राजस्थान के खान साहब ने ये मैदान मार ही लिया और फिर पिछली 3 सदियों के तमाम उस्ताद शुरा की गजलों में मेहदी हसन ने अपनी गायकी से वो रंग भरा कि इस बादे नौ की बहार आज तक अपने जोबन पर है। चले भी आओके गुलशन का कारोबार चले। गायकी की दुनिया में 60 और 70 की दहाइयां मेहदी हसन के नाम से ही मंसूब दिखाई देती हैं। इस दौरान पाकिस्तानी फिल्मी सनत के सभी हीरो पर मेहदी हसन के गीत फिल्माए गए। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। जबकि गजल गायकी में वो अपने वक्त के शहंशाह कहलाए। मेहदी हसन एक आर्टिस्ट का नाम नहीं, मेहदी हसन एक सदी का नाम है। वो मौसीकी के शहंशाह हैं। इसका इतराफ दूसरे मुमालिक के फनकारों ने भी किया। मेहदी हसन को न सिर्फ पाकिस्तान के सभी आला सिविल एजाजात से नवाजा गया बल्कि भारत में भी उन्हें 1979 में सैगल अवार्ड और नेपाल में 1983 में गोरखा दक्षिण बाहु अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन इस अवार्ड का कोई मोल नहीं जो नेपाल के शाह बरेंद्रा ने अपने महल में मुनक्कदा महफिल के दौरान मेहदी हसन को गायकी के दौरान ये भूला हुआ मिसरा कि मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा खुद गाकर याद दिलाया था। 80 के दहाई के आखिर में मेहदी हसन अलील हुए और ये अलालत मौसीकी से उनकी दूरी का बायस भी बनी, लेकिन उनकी मदर आवाज की बादे नौ से आने वाली बहार से मौसीकी के गुलों में रंग भरे हुए हैं और ये भरे ही रहेंगे। अकील राणा, जियो न्यूज, कराची। I'm not afraid to die.